दोस्तों आज जिस ओमरॉन डिजिटल ब्लूटूथ ब्लड प्रेशर मॉनिटर की हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वह अमेजन पर 2,558 रुपीस के समथिंग इसकी कॉस्ट पड़ती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती है। तो दोस्तों ये है वो एपरेटस, ये है वो ब्लूटूथ मशीन जिसकी हम बात कर रहे थे, जो ओमरॉन कंपनी का आता है और इसके साथ में ब्लूटूथ लेस होती है, मतलब इसमें ब्लूटूथ की बेनिफिट दे रखा है। ब्लूटूथ का ये फ़ायदा है कि यह एप्स के माध्यम से आपके स्मार्ट डिवाइस स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाएगा। जब भी आप इस बीपी मशीन एपरेटस से आपका ब्लड प्रेशर मेज़रमेंट करेंगे तो वह डायरेक्ट सिंक्रोनाइज हो जाएगा आपकी स्मार्ट डिवाइस मतलब मोबाइल के साथ में। ओमरॉन की तरफ से बैग है जो हमारे एपरेटस को कैरी करने के लिए काम आएगा। इस बहुत स्मूथली बैग है और बहुत अच्छा डिज़ाइन है, कलर भी बहुत अच्छा है। इसको साइड में रखते हैं और नेक्स्ट अनबॉक्सिंग में हम निकाल रहे हैं कफ। ये है कफ जो कि ब्लड प्रेशर को मेज़रमेंट करने में उपयोग आता है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसको हम रखते हैं साइड में। और अब इसके अंदर से निकलेगा ये है एसी एडाप्टर, जो कि अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो यह काम आएगा। अब इनको हम साइड में रखते हैं एक के बाद एक और अब देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। और ये देखिए ये है चार बैटरीज जिन्हें हम इस बीपी एपरेटस में लगाएंगे और यह स्टार्ट हो जाएगा। चार आती है, चार ही इसमें लगती है, मैं बताऊंगा कैसे लगती है। और अब इस जादुई पिटारे से निकलेगा हमारा जो सबसे महंगा और सबसे कीमती डिवाइस है, सबसे अच्छा। और लास्ट में ये है कुछ डॉक्यूमेंट्स जिनको पढ़ के मैं बाद में बताऊंगा। अभी रख देते हैं हम इनको साइड में और ये रखे हैं मैंने साइड में। इसमें बहुत अच्छी जानकारियाँ रहती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानकारी है, ये रखा हमने। और अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ओमरॉन का डिजिटल ब्लू विथ ब्लूटूथ बीपी एपरेटस। ये साइड में एयर जेग है जिसमें आर्म कफ का एयर प्लग फिट होगा और पीछे चारों बैटरियाँ फिट होगी। इसको ओपन करके इसमें चारों बैटरियाँ फिट होगी, जैसे इसमें ध्यान रखना है प्लस और माइनस मिक्स ना हो। उसके जो बीपी ऑपरेटर से इसमें इसका इंडिकेशन दे रखा है, आप देख के बीपी देख के अपनी बैटरीज को फिट कर लें। उसके बाद इस कवर को पैक कर लें और अब ये हो गई आपकी डिवाइस स्टार्ट। दोस्तों ये चूंकि ब्लूटूथ जो बीपी मशीन का रेडीमेड है उसमें इन साइन पे बहुत ही गौर करने की बात है। अगर ये वाला साइन दिख रहा है मतलब आपका बीपी बढ़ा हुआ है, 2 सेकंड के लिए दवाए रखेंगे करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप बीपी ले रहे हो और ये वाला साइन आ रहा है इसका मतलब है कि आप जिसका भी बीपी ले रहे हो स्कैन कर लेंगे तो आपको कौन सा एप डाउनलोड करना है थोड़ी देर रुकिए और फिर से बीपी लीजिए आ जाएगी। अगर आपका ये वाला साइन आ रहा है मतलब आपकी हृदय की धड़कन एक लय में एक ताल में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ताल बिगड़ जाती है तब ये वाला साइन आता है, मतलब आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। कैमरे को तो आपका जो स्कैन करे उस बार कोड को एक जिस तरह से मोबाइल में बैटरी का साइन होता आता है उस तरह से अगर साइन बना हुआ आए आपके डिस्प्ले में तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी खत्म होने वाली है। अगर उस साइन में आधा ब्लैंक आ जाए तो मतलब आपकी बैटरी आधी खत्म हो गई। अगर वो बैटरी का साइन पूरा ब्लैंक आए तो इसका मतलब आपकी बैटरी को चेंज करिए, जो इसमें चार सेल लगते हैं उनको चेंज करने की जरूरत है। ये देखो आप जो वेबसाइट पे दोनों की लिंक आ रही है, या तो एप्पल डिवाइस हो या फिर एंड्रॉयड डिवाइस हो, मेरा एप्पल डिवाइस है ये आप देख ही रहे हो पीछे, तो इसलिए मैं एप्पल डिवाइस वाला एप्स डाउनलोड करूँगा। इस पर क्लिक करा ये डायरेक्ट लिंक्ड हो जाता है आपके एप्स स्टोर से। ये एप्स स्टोर खुल गया, अब मैं इसको करूँगा डाउनलोड और उसके बाद करूँगा इसको ओपन। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, अब ये करा ओपन। फिर इसको कुछ ही आपका यूज़र नेम और ईमेल आईडी डालकर इसको सेट करना है और ये फिर आपके इस बटन को ब्लूटूथ वाले बटन को 2 मिनट के लिए दबाए के रखना है। तो उस पर एक सिंबल आ जाएगा पी और ब्लूटूथ का साइन,
और फिर आपका डिवाइस में ब्लूटूथ को ओपन करना है और उसमें ये सर्च हो जाएगा ओमरान का बीपी एपरेटस, उस पर आपको इसका जो मॉडल नंबर है वो डालना है। जैसे इसका मॉडल है HEM7143T1A, इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। और इसका ये फ़ायदा है कि जब भी आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे ये तुरंत सिंक्रोनाइज हो जाएगा आपके मोबाइल डिवाइस पे, और इस तरह से डाटा हमेशा सेव रहेगा, आप कभी भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये मैंने इस एयर प्लग को एयर जैग में फिट करा, इसको हम फिट करते हैं तो कुछ फिट होने की आवाज़ आती है, इसका मतलब वो एक्सेक्ट फिट हो गया है। उसके बाद आप जिसका भी ब्लड प्रेशर एनालिसिस करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर मेज़र करना चाहते हैं, उसे ये लगा दीजिए। ये है एसी अडाप्टर, अगर आपके पास बैटरी का सपोर्ट नहीं है तो इसको पीछे हम फिट करेंगे, और ये जो अडाप्टर है इसको किसी भी एसी में प्लग इन करेंगे तो आपका एसी सप्लाई चालू हो जाएगा। फिर बैटरी चाहे हो या ना हो, ये दोनों आपको एसी सप्लाई में फिट करना है, मेल फीमेल को, और इस तरह से आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो आर्म कफ है इसको हमेशा हम लेफ्ट आर्म पे ही फिट करेंगे क्योंकि इसी के पास हार्ट होता है। और ये देखिए जो ये ट्यूब है, ये ट्यूब नीचे की साइड रहे, इसका खास ध्यान रखना है वरना ये मुड़ जाएगी तो आपका एनालिसिस बीपी मॉनिटर सही से नहीं हो पाएगा। अब हम इसको ऐसे का ऐसा लेफ्ट आर्म में फिट करेंगे और इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे और ये पीछे की साइड अटैच हो जाएगा इस तरीके से। और अब हम जो स्टार्ट और स्टॉप बटन है उसको एक बार स्टार्ट करेंगे, तो ये देखिए इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे और जैसे ही स्टार्ट होगा ज़ीरो का साइन आएगा और उसके बाद आपका आर्म में एयर प्रेशर फिल अप होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आप बीपी मशीन सही से बंधी है। अगर इस स्क्रीन पे अगर कोई दूसरे साइन नहीं आए, अगर आपकी ये जो हार्ट का साइन आ रहा है इसका मतलब है कि आपका सही से चल रहा है हार्ट, आपकी हार्ट बीट भी चेक हो रही है। अगर कोई जैसे आपका ये जो कफ है, आर्म कफ ही अगर ढीला बंधा हुआ है तो उस पर इस स्क्रीन पे इंडिकेशन आ जाएगा। और ये देखिए ब्लड प्रेशर ने एनालिसिस हो चुका है, मॉनिटर हो चुका है, 126 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, 84 डायस्टोलिक है और 92 मेरी पल्स है। ये जो इस पे स्क्रीन पे दिख रही है ये ऐसे कैसे आपके तुरंत मोबाइल पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा क्योंकि आपका मोबाइल इस एपरेटस के ब्लूटूथ से कनेक्ट है। ये देखिए 126, 84 और 92 दोनों एक तुरंत सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तो इसलिए यह बहुत ही बढ़िया और उपयोगी मशीन है। आप अगर को आपका बीपी रेगुलर चेक करना चाहते हैं या फिर आपके परिवार में कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और आप ये मशीन यूज़ करना चाहते हैं, टेली करना चाहते हैं आपके ब्लड प्रेशर को डेली बेसिस पे, तो यह बहुत अच्छी मशीन है, इसको आप ख़रीद सकते हैं, मैं रिकमेंडेड करता हूँ इसको। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी आती है लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आई है, मैं इसको पर्सनली यूज़ भी करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती है,